वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब यात्रा रही ये भी। जब डॉक्टर शिवनाथ भट्टाचार्य जी से मैंने गिटार सीखना शुरू किया तो कुछ सालों के बाद फिर मुझे, क्योंकि बचपन में जो शुरुआत थी हमारी गायन गायन से ही हुई थी, तो अंदर गायकी का जो पुट था वो चल ही रहा था, पर और भी सूक्ष्मता से जुड़ने के लिए मुझे लगा गायकी का ही, मुझे गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि गायकी के सभी अंगों को बहुत बखूबी निकालता है। तो पंडित चंदूलाल मिश्र जी से मेरी बात हुई तो गुरुजी ने मुझे समय देने का मुझे आश्वासन दिया, और उन्होंने भरपूर मतलब उनके साल भी कई मतलब उनके सानिध्य में भी मैंने कई वर्ष उनके साथ बिताए, और गुरुजी ने बंदिशों के साथ साथ उसके मतलब कैसे उपज हैं इसके बारे में बताया, और साथ में ठुमरी चैती ये सब भी चीजें बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैसे उसकी बोल बांट कैसे होते हैं, तो बहुत सारी चीजों का मतलब सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लगातार वो भी उन्होंने भी इतनी मेहनत की कैसे सिखाया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि समय के बड़े पक्के थे, तो बहुत सारी चीजें हम लोग गुरुजनों से सीखते हैं, समय के पाबंद और इस तरीके से कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, और बिल्कुल खुश दिल। तो बोले कलाकार को हमेशा मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, तो ये सब बातें वो भी करते थे, और उतने ही प्यार और स्नेह से उनसे भी सीखने का अवसर मिला। मैं इसके लिए बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। जब पंडित छनुना मिश्र जी से जब मेरा मतलब हमारी जो शिक्षा चलती रही, उसके बाद मेरे किसी कॉर्नर में शुरू से ही ऐसा था कि किसी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के पास मैं मतलब जो बृहद उसका जो मतलब स्टडी के लिए मेरे पास नहीं कुछ मिल पाया, प्रभु से मैं प्रार्थना करती थी, तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि पंडित बिमलेंदु मुखर्जी से मिलना हुआ, फिर मैं उनके पास भिलाई गई, तो उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत प्यार से उन्होंने एक ही बात बोला, मेरे पास अभी तक एक भी गिटारिया नहीं था, अब मेरे पास एक गिटारिया भी आ गया है। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम, और बहुत ही प्यारे गुरुजी, मतलब कि कैसे बताऊं, मतलब उनका पूरा जीवन ही संगीत था, मतलब इतने समर्पित, मतलब आप इंस्ट्रूमेंट खाली बजाना नहीं होता, उसकी जवारी उसमें तारों के साथ कैसे कैसे क्या घिसना, मतलब एक तरह से वो मेकर का भी वो पूरा काम करते थे, वो इतने ज्यादा डिवोटेड थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे। तो उन्होंने मुझे कुछ रागों को बहुत विशेष तरीके से सिखाया, तो वो इमदाद खानी घरानी की जो शैली की कुछ चीजें हैं जो बारीकियां थी वो सब सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो इंस्ट्रूमेंट को और भी थोड़ा समग्र रूप से उसे और पहचानने में और उसको एक्सप्लोर करने में मुझे काफी सहायता मिली, और ये सब गुरुजनों का स्नेह और उनकी ही उनका ही आशीर्वाद है। बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम ध्रुपद भी बजा सकती हो, अच्छा मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी अभी तक तो मैं ख्याल और गद ये सब बजाती हूँ, ऐसे ध्रुपद के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बोले नहीं तुम ध्रुपद बजाओ देखो कैसा लगेगा। मैंने किया नहीं पर उनके ये वचन थे, उन्होंने बोला ध्रुपद तुमको बजाना चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि क्या मतलब उन्होंने क्या सोचा होगा और क्या उनके अंदर इंट्यूशंस आए होंगे जो कि हमें हमारे साधारण दिमाग शायद समझ नहीं पा सकते उस चीज को। मैं चाह रही हूँ कि इस बार अवधी लोक गीत सुनाऊँ आपको, आपके समक्ष। काहे को ब्याही विदेश, अरे ओ लखिया बाबुल मोर, मुझे बहुत ही पसंद है और मेरे अंतरात्मा को छूता है, और मुझे लगता है कि शायद हर लेडीज इसको पसंद करती हैं।
एक्चुअली क्या हुआ कि पिताजी जो कि चिकित्सक थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमारी दोनों बेटियों में से कोई एक तो डॉक्टर बने। भाई नेचुरली ये कि हमारा बैकग्राउंड तगड़ा था डॉक्टर वाला, म्यूजिकल बैकग्राउंड, तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग नॉन म्यूजिकल फैमिली से हैं वैसे। तो पढ़ाई में भगवान की कृपा से अच्छी थी, और मैंने साइंस भी लिया, जुआलॉजी भी लिया, और एमएससी तक भी पढ़ाई रखी अपनी जुआलॉजी से। पर मुझे डिसेक्शन करने में बहुत डर लगता था, तो मैंने बहुत ही अजीब सा, मुझे लगता था कि पापा काश डिसेक्शन नहीं होता तो क्या है? मेडिकल की पढ़ाई ऐसे नहीं हो सकती जिसमें कुछ काटा कुटा ना जाए? बोले बेटा यही तो है। तो एनीवेज, तो ऐसा करते करते मुझे फिर मेरा डेंटल वाले में बीडीएस मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बीडीएस छोड़ दिया क्योंकि म्यूजिक था। मैंने कहा नहीं पापा। फिर ऐसा हुआ कि मेरी म्यूजिक की यात्रा चलती रही, और इसी क्रम में फिर बीएचयू से मैंने जब प्रभाकर और संगीत प्रवीण जब मैंने प्रयास संगीत समिति से किया, उसके बाद चूंकि मैं बीएससी ऑनर्स भी थी तो उस समय मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं पीएचडी के लिए और यूजीसी के लिए भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। और लकीली मेरा यूजीसी में, म्यूजिक यूजीसी में मेरा हो गया, मैं उसमें पास हो गई। और साथ में डॉक्टर गोपाल शंकर मिश्रा जी उस समय जीवित थे, जो पंडित लाल मणि मिश्रा जी के सुपुत्र थे और विचित्र वीणा और सितार के विद्वान थे, और कॉलेज में वो उस वक्त रीडर के पोस्ट में थे। तो उनके ही प्रयत्न के फलस्वरूप मुझे पीएचडी करने का अवसर प्राप्त हुआ गिटार से, और मैंने उसको किया, जिसकी टॉपिक थी कि मतलब प्रचलित और अप्रचलित रागों का अध्ययन और 40 हमारे खुद की रचनाएं बनाने के लिए। तो मैंने अपनी खुद की 40 स्वयं निर्मित कॉम्पोजिशंस भी इसमें किए और इसको फाइल के रूप में सबमिट किया। डी म्यूज़ मैंने उस वक्त बीएचयू से, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से किया, 1998 से।